बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह ने पुलिस मुलाजमीन के लिए डे केयर की सहूलत। आईजी पंजाब की जिले तामीर डे केयर को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। सूटेड बूटेड शख्स महंगी गाड़ी में सवार, झपट्टा मारकर पैसे छीने और हो गया फरार। सेफ सिटी कैमरों के जरिए निजी पिज्जा शॉप से वेटर की रकम छीनने वाला चोर कैसे हुआ गिरफ्तार, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। सेफ सिटी लाहौर को साफ सुथरा रखने में पेश पेश, क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ सफाई इंतजाम की भी मॉनिटरिंग जारी। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 50,532 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 4,545 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 36,986 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 5,104 ई चालान जारी किए गए। लाहौर और कसूर में 351 वन वे ट्रैफिक वायलेशन की निशानदही। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,359 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। वीमेन सेफ्टी ऐप पर दरखास्त पर 12 खवातीन को पुलिस की मदद फ्राहम की गई। दोहरे अंधे कत्ल का चैलेंजिंग और पेचीदा केस, बहावलनगर पुलिस के इंतहाई मेहनती और ईमानदार एसएचओ सब इंस्पेक्टर अमजद ने पेशावराना महारत से महज 72 घंटों में हल कर लिया। उन्होंने ये शानदार कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, इंटरव्यू बुलेटिन का हिस्सा। पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ एंड वेलफेयर आईजी पंजाब कमीशन आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए जिले तामीर डे केयर सेंटर का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। डे केयर सेंटर में लेडी पुलिस अफसरान और अहलकारों की कमसिन बच्चों की बेहतरीन निगरानी की जाएगी और उन्हें तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। आईजी पंजाब ने पुलिस लाइन्स वेलफेयर अस्पताल में मुलाजमीन और उनके अहल खाना को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का भी जायजा लिया। पिज्जा शॉप वेटर ने सेफ सिटी 15 एमरजेंसी पर पैसे छिन जाने की इत्तला दी। सेफ सिटी टीम ने कैमरों की मदद से मुलजिम को कैसे ट्रेस किया, देखिए ये रिपोर्ट। सूटेड बूटेड शख्स गाड़ी में सवार, चपट्टा मारकर पैसे छीने और हो गया फरार। रात की तारीकी में एक शख्स कार में पिज्जा लेने आया, पहले अपना ऑर्डर वसूल किया, फिर वेटर के हाथ से रकम छीन कर फरार हो गया। वन फाइव पे कॉल की, पुलिस ने आके मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये हादसा हो गया। सेफ सिटी टीम ने पुलिस को फौरी जाए वकूआ पर पहुंचने की हिदायत की और वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने कैमरों के जरिए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। वेटर को साथ लेके सेफ सिटी ई टैग पहुँचे, वहाँ कैमरों के जरिए गाड़ी की आइडेंटिफाई कराई, जिससे गाड़ी का नंबर आ गया, मुलजम का शिनाख्ती कार्ड वगैरह हमें मिल गया। उस एड्रेस पे जाके मुलजम को अरेस्ट किया। मदई की रिकवरी जो तकरीबन 32,000 रुपया बनती थी उसको दिलवाई। 24 घंटे के अंदर मेरा नुकसान पुलिस ने मुझे वापस करा दिया, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सेफ सिटी का, उनकी टीम का और पुलिस का, जिन्होंने इतने कम वक्त में मेरी हेल्प की और मेरे पैसे मुझे वापस दिला दिए। सेफ सिटी में कायम पुलिस खिदमत मरकज से शहरियों को लर्नर लाइसेंस, डुप्लीकेट और रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है। कुर्बान पुलिस लाइन्स और सेफ सिटी आने वाले शहरियों के लिए तमाम 14 सहूलियात एक छत तले खिदमत मरकज में फ्राहम की जा रही हैं। सेफ सिटी कैमरों के शवाहिद हासिल करने आने वाले शहरियों को खिदमत मरकज में तरजीहन सहूलियात दी जा रही हैं। सेफ सिटी तर्जुमान के मुताबिक शहरियों को लाइसेंस सर्विसेज के हसूल में हर मुमकिन मदद फ्राहम की जा रही है। कुर्बान पुलिस लाइंस मुलाजमीन और रिहायशी भी इस सहूलत से इस्तफादा कर सकते हैं। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रिडार के मुताबिक आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रिडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 283, पंजाब यूनिवर्सिटी 228 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 291 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा फिजाई आलूदगी खतरनाक अमराज का बाइस बन रही है। आप माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल पैरा होकर
खुद को स्मोक के मुजर असरात से महफूज रख सकते हैं। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौल। सेफ सिटी का LWMC के साथ सफाई का मुश्तरक ऑपरेशन। नवामा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 329 पॉइंट्स पर कूड़े की निशानदेही की गई। सेफ सिटी LWMC को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे की तस्वीर भिजवा रही है। सेफ सिटी की निशानदेही पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बरवक्त एक्शन लिया और सफाई करवाई। कैमरों की मदद से ओवरफ्लो कूड़ेदानों की भी निशानदेही की जा रही है। सेफ सिटी कैमरे शहर को साफ रखने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। दोहरे अंधे कत्ल का चैलेंजिंग और पेचीदा केस, मेहनती पुलिस ऑफिसर ने 72 घंटों में हल करते हुए कातिल को ढूंढ निकाला। जानिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और SHO की इस गुफ्तगु में। नसीब DPO हमारे एक ईमानदार SHO, ये क्या अच्छा काम करके ले आए जो इतने सारे पुलिस वाले आ गए? सर, इन्होंने एक तो डबल मर्डर था सर। एक टीचर विद हिज वाइफ, घर में मर्डर हुई थी सर, वो 4-5 दिन बाद तो पुलिस को पता चला, क्योंकि वो आगे पीछे कोई था नहीं उनका सर। अच्छा। वही थे मोहल्ले में। तो क्या निकला सर? उनकी औलाद रही थी, वो 4-5 दिन बाद मोहल्ले वालों को पता चला है, उन्होंने फिर 15 पे कॉल किया, मौके पे गए हैं। तो इसके लिए मैंने सर वहाँ पे इलाके के जो लोग हैं 300-400 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है। अच्छा। और 72 घंटों में हम असल कातिल तक पहुँचे। वेल डन, शाबाश। जहीर, क्या हाल है? वेल डन। यासिर, क्या हाल है? ठीक ठाक, शाबाश। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी TV।